अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब मज़े में होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं और आज हम बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और वो रेसिपी है फ़िश टिक्का। वैसे तो आपने बहुत से फ़िश टिक्के खाए होंगे, लेकिन ये हमारा जो स्टाइल का फ़िश टिक्का है, आप उसे खाकर देखें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, ये हमारे स्टाइल का, ये आपने कहीं नहीं खाया होगा। और इसका टेस्ट आप ऐसा है कि आप अगर एक बार बना लेंगे तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे, और ये सबको बहुत पसंद आता है। तो हम लोग इसे पार्टीज़ में, दावतों में स्टार्टर के तौर पे रख सकते हैं। बहुत अमेजिंग लगता है और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए 1 kg बोनलेस फिश फिलेट, और उसे हमने इस तरह से चंक्स में कट कर लिया है। 2 tablespoons अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 teaspoon ग्रीन चिली पेस्ट, 3 tablespoons योगर्ट, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, और 2 medium size के लेमन का हमने रस निकाल लिया है। 3 tablespoons ये ग्राम फ्लोर है, जिसे हम बेसन कहते हैं। 1 tablespoon ड्राई करी लीव्स, कड़ी पत्ता। 1 teaspoon अजवाइन, जिसे मैंने मिक्सर में हल्का सा बारीक कर लिया है। 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, और 1/4 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/4 teaspoon टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये 1 teaspoon चाट मसाला। और सॉल्ट हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। तो मैं इसमें 1 tablespoon सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि हमने चाट मसाला डाला है और उसमें सॉल्ट होता है। और फूड कलर ऐड करेंगे। अब ये सारे मसालों के साथ हमें इसको अच्छे से मैरिनेट करके एटलीस्ट 1 hour के लिए रख देना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं तो 1/2 hour भी ना से, तो ये ताकि सारे जो हमने मसाले इसमें ऐड किए वो अच्छे से सारे पीसेस के अंदर तक चले जाएं। उससे आप जो भी मसाले डालें उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा सारे पीसेस में। और मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर, 1 teaspoon जितना फूड कलर ऐड करूँगी। सारे मसालों के साथ हमने इसे अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसे हम ढककर 1 hour के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारे सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से फिश के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम बताते हैं आगे क्या करना है। अभी हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इसमें हम 3 tablespoons कोरिएंडर लीव्स जो है उसको बारीक कट करके वो उसमें ऐड करेंगे, और 2 tablespoons ऑयल जाएगा। अब इसमें 2 tablespoons ऑयल भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम बताते हैं अब इसको हमको फ्राई पैन में इसको स्क्वायर पे लगा के सेकना है। अब ये इस तरह से हमने सारी जो फिश के पीसेस थे उसको स्क्वायर में लगा दिया है, और बीच बीच में एक एक ऑनियन का जो पीस है वो, और कैप्सिकम का पीस, इस तरह से आपको अरेंज कर लेना है स्क्वायर में। अब इसे हम फ्राई पैन में 2 tablespoons अब इस तरह से हमने फ्राई पैन में 2 tablespoons मैंने जैसे कहा ऑयल लिया है, और अब उसे हमें फ्राई करना है इस तरह से। इस
तरह से हमें फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसे फ्लिप करूंगी। अब इस तरह से मैंने सारे स्क्वायर्स को फ्लिप कर दिया है। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर। तो बस 1 मिनट हम इसको भी फ्राई करेंगे, बस फिर ये डिश आउट करके हम बताते हैं। और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी फिश टिक्का बन के रेडी हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। अब हमें बस लास्ट हमको बस इसमें कोयले का झोंक देना है इस तरह से। ये मैंने कोयला सुलगा दिया था और मैं 1 टीस्पून घी गरम कर रही हूँ इस तरह से। बस 30 सेकेंड के लिए हम लोगों को इस तरह से बंद कर देना है ताकि इसमें से एकदम टिक्के की जैसे स्मेल आने लगे। अभी हमारे 30 सेकंड हो गए हैं। अभी जो हमने चारकोल रखा था उसे मैं रिमूव कर दूंगी और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बन के रेडी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है और ये बहुत टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। आपको ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे टेस्ट लगेगा इसका। और आप लोग एक मरतब बनाएंगे तो बार बार आप लोगों को डिमांड आएगी इसकी बनाने की। और ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग ज़रूर हमारी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आते हैं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ हमारी इस रेसिपी को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी नई रेसिपी के साथ और बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक आप इसे ट्राई करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।